बिग बॉस 14 में कैप्टनसी टास्क के बाद जब सिर्फ निकी को बेडरूम में सोने का मौका मिलेगा तभी वे अपने मेकअप ब्रश चुराएंगी, जिसके बाद निकी पे भड़कते हुए अभिनव सुबह उसे बेडरूम से बाहर नहीं जाने देंगे और वही दरवाजे पे बैठ जाएंगे, जहाँ रूबीना भी पूरी तरह से अभिनव का साथ देंगी और निकी को बाहर नहीं आने देती। तो वही एक तरफ निकी अभिनव और रूबीना से बहस करेंगी और रूबीना का निकी की तरफ बर्ताव देख के जैस्मिन बीच में बोल पड़ेंगी, जिससे कि ये पूरे झगड़े का फोकस चेंज हो जाएगा जैस्मिन और रूबीना पे। वहीं बिग बॉस का बंटवारा टास्क कराने का मकसद पूरा होता नजर आएगा। जी हाँ, रूबीना और जैस्मिन एक दूसरे को काफी खरी खोटी सुनाएंगे, जिसके बाद झगड़ा किसने शुरू किया इस पे भी बहस हो जाएगी। रूबीना जैस्मिन के इस पूरे झगड़े में एक दूसरे से दुश्मनी नहीं बल्कि नाराजगी झलक रही थी, जहाँ कुछ देर बाद बातें सुलझने की जगह ज्यादा उलझती नजर आएंगी। इन दोनों के इस झगड़े का साइड इफेक्ट होगा अभिनव पे, जहाँ वे रूबीना पे भड़केंगे कि तुम्हें जैस्मिन से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, जहाँ रूबीना भी कहेंगी कि दूसरों से ज्यादा मेरी बात सुननी चाहिए थी। यहाँ रूबीना और अभिनव खुद का पक्ष रखते हुए एक दूसरे को चुप कर देंगे, जिसके बाद पूरा दिन दोनों एक दूसरे से नाराज रहेंगे और इसी झगड़े के कारण रूबीना अभिनव और जैस्मिन पूरे दिन एक दूसरे को अवॉइड करेंगे। लेकिन लाइव फीड से देखा जाए तो शाम होते होते रूबीना अभिनव टास्क शुरू होते ही एक दूसरे से बात करना भी शुरू कर देंगे। फिर रूबीना जैस्मिन से नाराज होने की वजह से किचन में अपने और अभिनव के लिए अलग से खाना बनाएंगी और ऐसे ही दिन खत्म हो जाएगा, जहां अभिनव देर रात एजाज और पवित्रा के साथ गप्पे मारेंगे, जहां टास्क खत्म होने के बाद अली जैस्मिन का मूड भी सही कर देंगे। दूसरे दिन यानी कि आज की सुबह भी रूबीना जैस्मिन एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। वहीं आज मॉर्निंग सॉन्ग पे रूबीना ने धमाकेदार डांस किया और अभिनव के साथ भी सब कुछ पहले जैसा हो गया है। वहीं ब्रेकफास्ट ड्यूटी में अभिनव ने अकेले जैस्मिन का साथ दिया, जिस वजह से फिर से रूबीना और अभिनव के बीच बहस छिड़ गई, जहां रूबीना को जैस्मिन का सुबह सुबह कुछ सुनाना पसंद नहीं आया। वहीं अभिनव फिर से जैस्मिन का पक्ष लेते हुए रूबीना से बहस करते नजर आए। तो कुछ भी हो जाए तो अभिनव और रूबीना के बीच तो सब कुछ नॉर्मल होना ही था, लेकिन जैस्मिन और रूबीना की इक्वेशन फिलहाल खराब हो चुकी है। वहीं मॉर्निंग सॉन्ग के वक्त रूबीना का कुछ ज्यादा ही मस्ती भरा और खुशी भरे डांस का कारण क्या होगा, तो व्यूअर्स आपका क्या है कहना?